तो ये कालो टो मुंह आई है, ये पता नहीं मैसा मखोल होगा, ये क्या आ गया? देखे ये देखे अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक एक और व्लॉग के साथ। तो मैं हूँ आपका जाना मना यूट्यूबर। मुझे ना यार अभी जो है ना कोई आधा घंटा हुआ, मैं ना रेस्ट करके उठा हूँ। मैं काफ़ी देर से जो है ना वीडियो एडिटिंग कर रहा था, पोस्ट कर रहा था, उस वजह से मुझे काफ़ी देर हो गया है। हाँ, जैसे कि आप सबको पता है माशाल्लाह ईद का दिन है, तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। बगैर गहराइयों से, दिल की गहराई से जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ के आकर जो है ना कहेंगे, क्योंकि तब जो है ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि तब ईद की नमाज़ पढ़ ली होगी। अभी जो है थोड़ा रेडी हो जाते हैं ताकि इससे पहले जो है ईद की नमाज का टाइम चले जाए तो रेडी हो जाए। अभी जो जुबान जो कपड़े चेंज कर रहा है, जैसे ही वो बाहर आएगा तो फिर जो है मेरी बारी आएगी, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं। बोम, हाँ जी। तो यार कैसा लग रहा है आपका भाई? देखे आपका भाई बिल्कुल फ्रेश हो, कपड़े चपड़े पहन लिए हैं। आज की जो ड्रेसिंग है वो थी ओम शलवार कमीज, क्योंकि ईद का पहला दिन होता है, आपको पता जो है कि शलवार कमीज जो है वो चल रही, ईद की जो नमाज पढ़नी होती है। आज की ड्रेसिंग जो आती वो ये थी। वो मुझे याद है कि मैंने जो है व्लॉग का वो चैनल को सब्सक्राइब करा था आपको, तो अभी तक आपने फरहान बस लोगों को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी लाजमी दो। यार जो बेल आइकन जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को नहीं दो जो मेरी जो न्यू वीडियो है आने वाली उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो बेल आइकन जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेल आइकन को भी जो है ना लाजमी दबाया करें। निकल इधर जो आया, मैं शशके नहीं खत्म हो रहे, उधर जो आया ईद की नमाज का टाइम गुजरा जाए जा रहा है, टाइम जाई जा रहा, तो इससे के पहले जो है नमाज से हम लेट हो जाए, देर हो जाए, फटाफट से नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जो है ना फिर आपका भैया आपको जरूर मिलेगा। जुबान जो है बिल्कुल सामने जो बैठा हुआ वो देखे रेडी बिल्कुल बैठा हुआ है, अभी जो है पापा का वेट कर रहे हैं। जैसे वो फ्रेश हो गया है कि फिर जो है सारे घर वाले जो है ईद की नमाज जो है अदा करने जाएंगे, उसके बाद आके फिर आपका भैया आपको दिल की गहराइयों से जो है ना ईद मुबारक है, छप्पड़ फाड़ के ईद मुबारक आपको कहेगा। फटाफट से नमाज पढ़ लेते इससे पहले देर हो जाए। उसी के साथ साथ जो है हमारे इधर शुरू की हुई है फियोनिया, पता नहीं क्या कोई लोग फियोनिया कहते हैं, कोई सीनिया कहते हैं, कोई शीर खोरमा भी कहते हैं। तो मम्मा जो है वो ये बना रही है शीर खोरमा, जैसे जो है ईद की नमाज पढ़ के आएंगे तो आधे सारे मुँह मीठा करते हैं, तो इससे जो है ना मुँह मीठा करेंगे हम जरूर। सारे यार हम जो है घर में पहुंच गए हुए हैं, ईद की नमाज जो है अलहमदुलिल्लाह टाइम से पहुंच गए थे, पढ़ ली थी। वो तो यार रश बहुत ज़्यादा था, मैं कहा यार एकदम जो है ना घर जाकर आपको स्कूल से मैं मिलूंगा। तो ये जो है ना ये वेस्टकोट जो है ना ये कपड़ों के ऊपर जो है ना ये वाली जो है ये वेस्टकोट हमको बन के ये जो है कम्प्लीट जो सूट से कहते हैं वो ये है। तो आपको जो है ईद की नमाज पढ़ ली है, तो अब आपको भाई जो है ना आपको करेगा ईद मुबारक। तो आप सबको बहुत 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 ज़्यादा दिल की गहराइयों से नहीं बल्कि दिल की तह गहराइयों से जो है ना आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपको किसी का मोहताज ना बनाए अपने सिवा, और आप जो है ऐसी हमेशा मुझे देखते रहे। अब जो है यार ईद की नमाज़ पढ़ ली, आपको बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, आपको पता है ईद की नमाज़ पढ़ते सारे जो है ना घर आते हैं तो भूख लगी होती है। इस टाइम जो है ना पकाया भी इनके सुबह सुबह का टाइम है, खाना वगैरह में फिलहाल कुछ नहीं बना, और जो है मामा शाम को या इनके थोड़ी देर ठहर के जो है ना मतलब 11-12 बजे के साथ आएंगे। तो अभी जो है बनी हुई है, जो मैंने आप इसमें पहले दिखाई थे कि मामा जो सेवियाँ फ्योनियाँ जो होती हैं उन्होंने तैयार कर दी हैं, वो खाते हैं तो यार थोड़ा गुजारा वगैरह हो जाएगा और क्या होगा। तो फटाफट से वो खा लेते हैं, तो चेक करते हैं कि मामा ने कैसी बनाई है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखे अभी जो आ रहा है यहाँ से मुझे देखे बड़ी मज़ेदार लग रही है, अभी इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसी बनी है। ये जो है आगे हम खा के चेक करते हैं किस तरह की बनाई है हमारे। हाँ यार बड़ी मजेदार बनी है। तो यार उसके बाद जो है ना नींद आ गई थी काफ़ी ज़्यादा, ईद की नमाज पढ़ के आगे वो सेवियाँ खाई है, उसके बाद नींद आ गई काफ़ी बहुत ज़्यादा यार, नींद का नशा चढ़ गया था। फिर आपका भैया आकर सो गया, मतलब हम सारे घर वाले सो गए थे। अभी जो है तकरीबन 2 बजे उठे हैं, उठते जो है ना बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। आप मामा ने जो है वो दही पहले आपको पता है कल वाले ब्लॉग में जो है तेरी शरीर मुकम्मल है, दही पहले जो हमने तैयार किए हुए हैं तो उसको खाते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है। मैं अभी दही ले क्या हो जाओ, मुझे दही नहीं था मिल रहा है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर गया उधर गया, पता नहीं किधर किधर से घूम फिर के आया हूँ। फिर जो कल वाले जिस ब्लॉग में हम बाजार गए हैं उस ब्लॉग से जो है ना हमें दही मिल रहा है, दही नहीं था मिल रहा यार, ऐसे ऐसे दही शॉर्ट हो गया। अभी जो है दही बड़े बिल्कुल तैयार है, उसको जो है ना फटाफट से खाते हैं जाके क्योंकि भूख जो है बड़ी सख्त लगी हुई है। ये पड़े हुए जी दही भले, ये देखे दही भले, ये साथ दूसरा जो फ्लॉ फ्ला चीज़ होती है साथ,
अभी जो है ना बैठ के खाएंगे, फटाफट भूख लगी हुई है। सही बात है बहुत, मतलब भूख तो सुबह भी लगी हुई थी, लेकिन अभी जो है ना बाद में सेमिया वगैरह खाया के सो गए थे, तो अभी जो है उठ गए हैं, फटाफट से खा लेते हैं। तो यार अभी जो है ना रोटी खा के फारे को बैठे, साथ जो है ना पुप्पो की कॉल आई है, उन्होंने जो है ना आज इनवाइट किया है हमें कि आप जो है ना सारी फैमिली हमारे घर आए हैं, हम भी जा रहे हैं, वहाँ से जो बड़ी नहीं है हम वो भी जाएंगे साथ, क्योंकि उनको भी जो है ना इनवाइट किया है, तो हम सारे जो है ना इकट्ठे होकर जो है ना अपनी पुप्पो के घर जा रहे हैं। उन्होंने माशाल्लाह कुर्बानी की है, तो अल्लाह ताला उनकी जो कुर्बानी की कबूल फरमाए, और जिन्होंने जो दूसरे हैं जो दूसरों ने की है उनकी भी कबूल फरमाए, और जिन्होंने नहीं की है उनको अगले साल जो है करने की तफरी की ताफ फरमाए। अभी जो है हम सारे फटाफट से रेडी हो गए, वैसे तो रेडी है लेकिन बस छोटा मोटा जो टचअप जो करना होता है वो कर लें, उसके बाद जो हम घर से निकलेंगे, आज जो है ना फिर छोटी पुप्पो के घर जाएंगे। अभी जो है छोटी मोटी तैयारियाँ जो टचअप टचअप करना है कर लें, फिर निकलते हुए जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा अब हम जो है ना निकलने लगे हैं। तो अब जो है ना हम सीधा पुप्पो के घर जाएंगे, क्योंकि बड़ी मी जो है ना वो नीचे चली गई हुई है, पुप्पो के घर पहुंच गई हुई है, हम लेट हो गए, हम 5 बजे के रेडी हो रहे, तो टाइम जो है 7 बज गए हैं, हमारे घर वाले तैयार ही नहीं हो रहे हैं, हम लड़के लड़के तैयार हैं, क्या लड़कियाँ रह गए हैं, पापा भी इधर बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, देखे बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, जुबरान भी तैयार है, अभी तैयार, बस लड़कियाँ रह गई हैं, 2 घंटे हो गया, 2 घंटे से वो तैयार हो रही है, अभी तक जो है वो तैयार नहीं हुई है, वो अभी कॉल कर करके थक गए अभी तक आप जो है ना पहुँची नहीं है, अब देखते हैं कि कब तैयार होती है, जब भी तैयार होगी तो फटाफट जो है ना फिर निकलेंगे, डायरेक्ट पुप्पू के घर ही जाएंगे। 2000 years later फाइनली अब जो है ना हम निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट जो है ना वहाँ जाके आपको मैं मिलूंगा, पहले जो है मामा और फातिमा को बाइक पर छोड़ने जाना है, उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे, तो फटाफट से चले जाते हैं तो उतार के, उसके बाद जो है फिर मैं वापस आऊँगा, पापा को और फातिमा को लेके जाऊँगा, जुबरान को लेके जाऊँगा, पापा को और जुबरान को लेके जाऊँगा। पापा कह रहे थे जो गर्मी बढ़ी है तो इतना किधर इतना दूर जो है ना चल के जाएंगे, तो बाइक जो है वो सोखे रहेंगे इसमें, तो बाइक भी चलते हैं। ठीक है तो यार रोटी छोटी जो है रोटी छोटी जो है वो खा ली हुई है, माशाल्लाह बड़ा ही जबरदस्त जो है ना खाना बनाया था, मजा आ गया खा के। अभी जो है ना ऊपर बैठे हुए हैं पुप्पो के पास बैठे हैं, भाई जो पुप्पा ना वो बहुत ही अच्छी हैं, दूसरों की तरह नहीं है कि जी पुप्पो आ गई है तो आग लग गई है तो भाई बर्बाद कर दिए घर तो खराब हो गया सारा, नहीं हमारी पुप्पो जो है ना ऐसी बिल्कुल नहीं है, हमसे जो है ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम आपस में बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट में रहते हैं। हम गाते हाँ जाहिर सी बात, शुरू से जो हम साथ रहते हैं, बंदा हंसता खेलता फिर एंजॉयमेंट जो है ना खूब करते रहते हैं। तो अभी उनके घर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं रोटी छोटी खा के, ऊपर उनके कमरे में बैठे हुए हैं, अभी उनको ठीक डाली है हमने, उनको हमने कहा कि आप जाके ले गए कॉर्नर, क्योंकि हम आपके घर आए हैं, तो जाहिर सी बात है मुँह मीठा किए बगैर तो जाना नहीं ना है, नहीं ना जाना हाँ, तो नहीं चीनी नहीं कॉर्नर खानी है, तो अभी उनको कॉर्नर लेने भेजा हुआ, मतलब मंगवाने के लिए किसी और को भेजा हुआ, वो ये कॉर्नर मंगवाई है, ये पता नहीं मैसा मखोल होगा, ये क्या आ गया देखिए ये देखिए मैंने तो कॉर्नर मंगवाई थी, पुप्पो जो है ये ले आए, चले कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जो खाना था वो बिल्कुल मजे का बना था, ठीक है आपके घर में बिल्कुल मजा आता है। ओके यार मखोल ही हो गया यार, कॉर्नर मंगवाई थी, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं यार, अब हवा खाते हैं और क्या करना है, वो कह रही है मैं ना अभी बिजी हूँ, आप लोग जो है एंजॉय करो, मैं जो है थोड़ी देर तक खाते हो, तो हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय पता क्या करना है, हमने एंजॉय हमने इसको खा के एंजॉय करना है, तो फिर एंजॉय करते हैं इसको खा के। खो न जाए ये तारे जमीन पर। तो यार इधर से जो है ना फ्री हो गए हुए हैं, अब घर जाने लगे, आप पता नहीं अब हम अपने घर जाएंगे या बड़े के घर जाएंगे, हम तो बाहर आ गए लेकिन पापा अंदर ही हैं, वो जैसे ही बाहर आएंगे तो उनसे पूछ के भी पता लगेगा कि अपने घर जाना है या बड़े के घर जाना है। तो फाइनली यार हम जो है घर पहुंच गए हैं,
घर पहुंच गया, खूब इंजॉय किया, बहुत मजा आया आज मैंने आपको के घर। पापा से पूछा था, वो कह रहे थे कि ना घर ही चलते, टाइम जो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बड़े भी घर जो है फिर कभी चले जाएंगे। कल का जो है प्लान करेंगे कहीं घूमने फिरने का, कल जो है बड़ा मज़ेदार व्लॉग आएगा, तो रेडी रहेगा कल के व्लॉग के लिए। यार आज का दिन कैसे गुजर गया पता नहीं लगा, आज माशाल्लाह ईद का दिन था आप सबको पता ही है, कैसे गुजरा बहुत ही अच्छा गुजरा। आप भी पहले जो है ना फीडबैक दीजिएगा कि आपका जो है ना ईद का फर्स्ट डे जो है वो कैसा गुजरा। हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा, हमने खूब इंजॉय किया, सोए भी, खाया पिया भी, इंजॉयमेंट भी की, मतलब काफ़ी अच्छा दिन गुजरा है। तो यार इधर जो है मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड, तो अभी तक आपने फरहान वे स्लोगन को ज्वाइन नहीं किया तो कर दो यार लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को बेल आइकन को भी लाजमी दबाओ ताकि आप बार बार मिलते रहें, क्योंकि बार बार मिलना यार बहुत ज़रूरी है ताकि हम बार बार मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर।